सियाचिन में भारतीय फौज क्या क्या करती है, कैसे तैनाती होती है और उसकी क्या डिटेल्स हैं, हमने बहुत करीब से जाना, बहुत करीब से देखा, लेकिन उसकी बहुत सारी डिटेल्स आज हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो तमाम जानकारियाँ टेलीविज़न पर दिखाना शायद सही नहीं होगा। इसीलिए हम बहुत सारी ऐसी लोकेशंस भी आपको नहीं दिखा रहे हैं जो लोकेशंस बहुत संवेदनशील हैं, जो ऐसी लोकेशंस हैं जिनको टेलीविज़न पर दिखाने से भारतीय सेना को और देश को नुकसान हो सकता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतनी दुर्गम जगह पर इतने सारे फौजियों को, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर सरकार को कितना पैसा यहाँ पर खर्च करना पड़ता है? कभी आपने सोचा है कितना पैसा यहाँ पर खर्च होता होगा? तो वो आंकड़ा ज़रूर आज हम आपको बता देते हैं। सियाचिन की रक्षा पर हर रोज़ औसतन 6.8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जी हाँ, लगभग 7 करोड़ रुपए हर रोज़ का खर्चा है यहाँ पर इस सियाचिन बेस कैंप को चलाने का और यहाँ पर सैनिकों को तैनात करने का। सियाचिन में जब एक रोटी आती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, ये भी आपको आज बताना ज़रूरी है। एक रोटी जिसकी कीमत करीब 2 रुपये होती है, जब वो रोटी सियाचिन तक पहुंचती है इन सैनिकों के लिए, उसकी कीमत 200 रुपये हो चुकी होती है। जी न्यूज़ के संवाददाता और मेरे सहयोगी के मिश्रा ने सियाचिन की आखिरी चौकी पर तैनात जवानों के लिए जो राशन आता है, रसद आता है, उस रसद के साथ, उस राशन के साथ चंडीगढ़ से यहाँ तक एक यात्रा की है, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब वो राशन, वो कपड़े या वो तमाम सामान चंडीगढ़ जैसे बेस कैंप से यानी एयरफोर्स स्टेशन से चलते हैं, वहाँ से वहाँ उनकी कीमत क्या होती है और वो यहाँ आते आते कितने महंगे हो जाते हैं। तो हमारा प्लान आज ये है कि हम चंडीगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये यात्रा ख़त्म होगी सियाचिन की आखिरी पोस्ट पर, और हम आपको ये बताएंगे कि ये तमाम जो सामान आता है यहाँ सैनिकों के लिए वो कैसे आता है, ये पूरी चेन आज हम आपको दिखाएंगे। हर जवान के लिए यहाँ पर एक स्पेशल सूट होता है क्योंकि जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है। कुछ खास उपकरण होते हैं और ये जो सूट और उपकरण हर जवान को दिए जाते हैं इसकी कीमत होती है करीब करीब 1,00,000 रुपये। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे जवान कितने मुश्किल हालात में यहाँ पर रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे जवानों के लिए यहाँ पर रसद पहुँचाना, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़, जैसा मैं आपको बता रहा था, छोटी से छोटी चीज़ को भी यहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया जाता है क्योंकि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। और ये तो हम बेस कैंप में हैं, जब बेस कैंप से ऊपर आप ग्लेशियर में जाएंगे वहाँ पर शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हम आपको लेकर जाएंगे उन ग्लेशियर्स में, हम आपको दिखाएंगे वहाँ का जीवन कैसा है, लेकिन अपने घर में बैठकर आप शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। दुकान पर गए, पैसे दिए, खाना लिया, खाना खाया और पेट भर गए। आम आदमी के लिए खाने का स्वाद हासिल करना भले ही कुछ मिनटों की बात हो, लेकिन -50 डिग्री में सियाचिन ग्लेशियर पर देश की रक्षा में तैनात सैनिकों को मनपसंद खाना खाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि 20,000 फीट की ऊंचाई तक सैनिकों के लिए खाना और रसद पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होता। चंडीगढ़ एयरबेस पर आधी रात से ही सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए खाना और रसद सप्लाई करने की तैयारी शुरू हो जाती है। वायुसेना के IL-76 विमान में सैनिकों के लिए ब्रेड, अंडे, सब्जियां और नूडल्स जैसा सामान लादा जा रहा है। इस समय सुबह के 4:30 बजे हैं चंडीगढ़ एयरबेस पर। लद्दाख में जो ऐसी जगह हैं जहां पर सिर्फ हवाई मेंटेनेंस हो सकता है, एयर मेंटेनेंस हो सकता है, वहां जाने के लिए सामान, राशन, रोज़मर्रा का भी राशन है, स्पेशल राशन भी है, वो लोड हो चुका है इस IL-76 में। हमारे साथ फ्लाइट गनर स्क्वाड्रन लीडर प्रकाश राव हैं। फ्लाइट गनर इसलिए क्योंकि पहले एयरक्राफ्ट में एक गन लगा करती थी, लेकिन अब ये एरियल डिलीवरी सिस्टम ऑपरेटर का काम करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राव, क्या क्या रोज़ लेके जाते हैं आप? हर दिन वी टेक ब्रेड एंड सब्जी फॉर दी आर्मी पीपल हु आर स्टेइंग इन दी फॉरवर्ड एरिया। ऑल राशन व्हाटएवर हैज टू बी सप्लाइड टू दी आर्मी, इट इज बीइंग टेकन फ्रॉम चंडीगढ़।
ओनली थ्रू एयर, स्पेशली इन विंटर्स इसका रोल ज़्यादा होता है एंड समर्स में सिंस रोड्स आर ओपन तो बाई थ्रू ट्रक्स आर समथिंग ऑल्सो दिस ऑल दिस राशन इज बींग सप्लाइड। इस ब्रेड को, ब्रेड है मैं देख रहा हूँ, दूसरी बहुत सारी चीज़ें जूस वगैरह है, करेक्ट, इसको, इस ब्रेड के पैकेट को सियाचिन ग्लेशियर में जो बहुत आगे तैनात है, बहुत हाइट पे है, उस तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है? आज फॉर एग्जाम्पल टुडे वी आर रीचिंग इट टू ले, वहाँ से एक चॉपर हर दिन जाती है, वहाँ पे उनका स्ट्रेंथ जितना भी है उसके हिसाब से दे टेक इट एंड सियाचिन ग्लेशियर में दे कैन नॉट लैंड फॉर लॉन्ग, तो जितने भी टाइम मिलता है वहाँ पे उनका जितना भी उनका लोड कैपेसिटी है चॉपर्स का उसके हिसाब से वो हर दिन लेके जाते हैं एंड उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है वहाँ पे। सप्लाई चेन इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी फौज खाली पेट नहीं लड़ सकती। सियाचिन ग्लेशियर में बहुत ऊंचाई पर भी फौजें तैनात हैं लेकिन उनके लिए फ्रेश राशन जिसमें ब्रेड, अंडे, दूध, जूस, सब्जी सब कुछ है, सुबह लगभग 2 से 3 बजे से लोडिंग शुरू होती है, 4-4:30 बजे तक लोडिंग पूरी हो जाती है, यहाँ से ले से हेलीकॉप्टर से वो आगे पहुँचे। चंडीगढ़ से ये रसद पहले लेह पहुंचाई जाती है, मौसम मेहरबान रहा तो सैनिकों के लिए खाने पीने का ये सामान ट्रकों के जरिए सियाचिन बेस कैंप और मोर्चे पर तैनात सैनिकों तक सड़क के रास्ते पहुंचा दिया जाएगा। सर्दियों में ऊपर जो फौज है उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है खासतौर पर रसद पहुंचाने का, बहुत सारी चीज़ें तो स्टोर होती हैं लेकिन उसके बाद भी आप लोग को सप्लाई चेन लगातार पूरे साल बना के रखनी पड़ती है। बिल्कुल, जब रोड कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, जब ज़्यादा हिमपात होता है तो उस समय सॉडी रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं। उसी समय वेदर का भी चैलेंज होता है आपके सामने? है, वेदर का चैलेंज रोज रहता है। जो एयर मेंटेनेंस में जो डिफरेंस है नॉर्मल फ्लाइंग से, जो फ्लाइंग हो रही है वो एयरक्राफ्ट के पूरे लिमिट पर हो रही है, तो एंड यू आर मैचिंग योर स्किल अगेंस्ट द नेचर, दैट इज़ वॉट मेक्स इट मोर चैलेंजिंग। सो मैं देख रहा था कि 2.5 टन ब्रेड आज भेजी जा रही है, हर रोज़ इतना ही ब्रेड, दूध, ये सारी जो पेरिशेबल आइटम है ये कितनी देर में आप वहाँ पहुँचा देते हैं, सबसे आगे बैठा हुआ है जो उसको खाएगा? जो ये बड़े जहाज हैं ये ले और थॉइस में ले जाएंगे, आगे वहाँ से हेलीकॉप्टर या रोड से जाएगा। वायुसेना को सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बल्कि वक्त और कुदरत से भी लड़ना पड़ता है क्योंकि वायुसेना की तरफ से भी जरा सी भी देरी सियाचिन के बर्फीले रेगिस्तान में तैनात सैनिकों को परेशानी में डाल सकती है, इसलिए वायुसेना बेरहम मौसम की परवाह किए बगैर ही 21,000 फीट पर तैनात सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने में जुटी रहती है। चंडीगढ़ से लगभग 40 टन राशन और रसद लेकर ये एयरक्राफ्ट ले लैंड कर चुका है। इतनी बड़ी मात्रा में राशन और रसद को लोड करने में भी बहुत कम टाइम लगता है और अनलोड करने में भी बहुत कम टाइम लगता है। ये इस फोर्कलिफ्ट लिफ्ट की मदद से सारा सामान एक के बाद एक यहाँ से उतरता जाएगा और ट्रकों में लदता जाएगा। यहाँ से सियाचिन तक का रास्ता ये रसद बाय रोड तय करेगी क्योंकि इस समय वेदर ठीक है, ट्रकों के जरिए ये सियाचिन बेस कैंप तक ये पूरी रसद, पूरा राशन फैलाया जाएगा। सर्दियों के लिए जितनी भी रसद इकट्ठी की जानी है उसकी कोशिश ये की जाती है कि वो इस दौरान सारी की सारी रसद स्टोर कर ली जाए, कम से कम वो आइटम जो नॉन पेरिशेबल हैं जो कि बहुत लंबे वक्त तक यहाँ पर स्टोर कर रखे जा सकते हैं। देश की सेना पर सवाल उठाकर चटखारे लेने वाले बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों को शायद ये समझने में वक्त लगेगा कि जब -50 डिग्री में जुबान खाने पीने की चीजों का स्वाद भूल जाती है तो कैसा लगता है। तैनात जो फौजी होते हैं, जो लंबे वक्त तक तैनात रहते हैं, उनकी खाने पीने की जरूरतें इस कदर हो जाती हैं, ऐसी उनको चीजों की जरूरत होती है। यहाँ पर कई पायलट्स हैं जिन्होंने बताया कि कई बार सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक होते हैं वो हरी मिर्च की डिमांड करते हैं कि हमें किसी भी तरह अगर एक हरी मिर्च ला दो तो हम उसको कई दिनों तक चलाएंगे, और अगली बार जब वो जाते हैं तो बताते हैं कि पिछली बार जो आप हरी मिर्च लेकर आए थे उसको हमने 10-15 दिन तक चलाया। इस किस्म की, क्योंकि उस हाई ऑल्टीट्यूड में भूख ख़त्म हो जाती है, जबान के स्वाद ख़त्म हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है,
इतनी छोटी सी चीज़ें जिसके लिए जिसको जिसका इस्तेमाल करने के लिए या जिसको बर्बाद करने से पहले हम एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन वही चीज़ें सियाचिन ग्लेशियर में 21,000 फीट पर तैनात एक सैनिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, खासतौर पर तब जब तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो और उसको वहां पर कई महीनों तक रहना हो। पेट भर भी जाए तो कुदरत चैन से नहीं रहने देती। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और इसी मैदान पर दुश्मन से लोहा लेने वाले हमारे सैनिकों के सामने एक नया दुश्मन आकर खड़ा हो गया है और इस दुश्मन का नाम है ग्लोबल वार्मिंग।